आदरणीय व्यापारी भाइयों को हनुमान मंदिर जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज बताते हुए मुझे बहुत ही अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैं जिस 1.5 महीने पूर्व जो कार्यक्रम शुरू किया था बाजार के नया बाजार के व्यापारी भाइयों के प्रतिष्ठानों में जाकर के जो आभार प्रकट अभिनंदन का कार्य किया था, वो आज 101 संपूर्ण करके मैं उस व्यक्ति के पास आया हूँ जिन्होंने मैंने शुभारंभ से इनसे शुभकामनाएं लेने के लिए आया था, जो दिल्ली ग्रामीण मर्चेंट एसोसिएशन के कार्यालय सचिव है और 30-35 साल पूर्व से बिहारी पहचान है और इनके मार्गदर्शन से ही लगभग जितना कार्य करता आया हूँ और करता रहा हूँ, इनका हमेशा मार्गदर्शन लेने की कोशिश की है और ये पूरी मार्गदर्शन देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। आज व्यापारी भाइयों, इनकी शुभकामना से मैंने शुरू किया था। जब इनके पास आया था तब उन्होंने कहा, हनुमान जी काम बहुत कठिन है, प्रत्येक दुकान में जा जा करके व्यापारी प्रतिष्ठानों में और उनका सम्मान करना ये संभव तो नहीं है, बाकी मैं 30-35 वर्षों से आपको देख रहा हूँ, आपके लिए असंभव ही नहीं है और मेरी शुभकामना हमेशा आपका साथ रही है, इसमें भी मेरी साथ रहेगी। और आज उन्होंने उस दिन अपने बुखार में से बोला भी थे, व्यापारी भाइयों को संबोधित भी किया था, आज फिर वही मैं आगे के मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूँ कि नया बाजार लगभग 53 साल से मुझे पूरे से मेरा आशीर्वाद जो प्राप्त है उनसे लिया है, जल्दी से जल्दी पूरा करके मुझे आगे क्या करना चाहिए, इनसे मैं शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। भारतभूषण जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज आपका जो मेरे लेके चला था, आप ये 1.5 महीने पूर्व आया था, आज मैं 101 व्यापारी भाइयों के प्रतिष्ठान में जाकर के जो पूरा करके आया हूँ, आगे मुझे क्या करना चाहिए इसके थोड़ा मार्गदर्शन करें। लोग जो कह रहे हैं कि इसका क्या फायदा है, वो भी आप पूरे व्यापारी भाइयों के समझाने की कृपा करें। मैं भारत भूषण गुप्ता, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में विगत 40 वर्षों से कार्यालय सचिव के दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। शुरू से ही मेरा और श्री हनुमानमल जैन जी, जो उस समय अमर ज्योति डायरेक्टरी के नाम से एक व्यापारियों की गल्ला व्यापार की डायरेक्टरी प्रकाशित करते थे, तभी से मेरा इनका परिचय है और अच्छा संपर्क रहा। मैं इन्हें भली भांति जानता हूँ कि ये बहुत ही निष्ठावान और जिस काम की एक बार ठान लेते हैं उसको पूर्ण लगन के साथ उसका समापन करते हैं। यह बात सच है कि ये तकरीबन 1.5 महीना पहले मेरे पास आए थे और इन्होंने अपने मन की इच्छा मेरे सामने व्यक्त की कि मैं उन सभी व्यापारियों का जो मेरे जीवन में मेरे मार्गदर्शक रहे, मेरे सहयोगी रहे, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। मैंने हालांकि इनको कहा था कि यह काम मुश्किल है, लेकिन मुझे उस समय भी पूर्ण विश्वास था कि ये काम बड़ी सरलता से कर लेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो लगन की भावना है और इनके साथ आसू राय जी और अशोक जी जो पूरे तन मन धन से इनके साथ लगे रहते हैं, उनका सहयोग इन्हें मिलता है, तो इसलिए ये संभव भी लग रहा था कि ये संभव कार्य को भी संभव आसानी से कर लेंगे। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है जब इन्होंने मुझे बताया कि 101 व्यापार अग्रणी जो व्यापार के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उनको ये इन्होंने सम्मानित किया, अग्र रत्न की उपाधि से विभूषित किया, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इन्होंने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की। और मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि अब ये अपने प्रकाशन कार्य का समापन करके एक ई डायरेक्टरी का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया है श्री आसू राय जी के सहयोग से, और उन्होंने आसू राय जी को ही इसका दायित्वपूर्ण रूप से सौंपा है। मैं इसके लिए श्री हनुमानमल जैन, श्री आसू राय जी और इनकी समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनकी सफलता की कामना करता हूं। निसंदेह यह डायरेक्टरी दिल्ली के अनाज व्यापारियों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के समस्त प्रांतों के अनाज व्यापारियों एवं विदेशों में भी प्रसिद्ध होगी और उनके काम आएगी।
हनुमानमल जैन, जैन संजोग मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक का दायित्व भी इन्होंने अच्छी भली भांति निभाया और उसी के तहत एक रिश्ते नाते केंद्र खोलकर एक नारा दिया कि कोई ना रहे कुआरा, और उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, सफलता हासिल की। आज ये जिस मुकाम पे पहुँचे हैं उसके पीछे इनकी लगन को ही श्रेय जाता है। इन्होंने जो कार्य किया पूर्ण लगन के साथ किया, ईमानदारी के साथ किया। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। विगत काल में इनको दो ऐसे सहयोगी मिले, स्वर्गीय श्री ब्रह्म प्रकाश राजपूत जी और अनुपम जैन, जिन्होंने इनके दाएं बाएं हाथ की तरह इनका सहयोग दिया और इनके हर कार्य को सफल बनाने के लिए उन्होंने हर प्रयत्न किया। मैं उन्हें भी आज शुभकामनाएं देता हूं, और अगर आज वो इनके साथ होते, आज ब्रह्म प्रकाश राजपूत जी जो हमारे बीच नहीं है, अगर होते तो शायद आज उनको भी बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही होती कि आज अमर ज्योति डायरेक्टरी जैन संजोग पत्रिका इस मुकाम पे है। मैं ब्रह्म प्रकाश राजपूत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं विगत 35-40 वर्षों से हनुमानमल जैन जी से परिचित हूँ। मैंने इनके जीवन काल में जो देखा, इन्होंने आचार्य तुलसी जी को अपना आदर्श मानकर उनके आदर्शों के अनुरूप चल के अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास किया। ये उनके जो प्रेरणा थी उसके ऊपर चले और इन्हें अच्छी सफलता मिली। इसी के साथ मैं इन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी तो जैसा इन्होंने पूछा कि मुझे आगे क्या मार्गदर्शन मिलना चाहिए, मैं तो इनसे बहुत छोटा हूं, मैं इनका क्या मार्गदर्शन कर सकता हूं। लेकिन जहां तक मेरा विवेक काम करता है, अब इनकी रिटायरमेंट एज है, इतना फिजिकल वर्क नहीं हो पाता, तो मैं तो इनको अपने सलाह ही दे सकता हूँ कि अपने यासुराय जी को अपना मार्गदर्शन दें ई डायरेक्टरी को बढ़ाने और उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए, उनको सहयोग दें और समाज सेवा के बहुत सारे कार्य हैं उसमें अपने लगे और अपना जीवन को शांति से यापन करें। धन्यवाद। आदरणीय व्यापारी भाइयों, संक्षेप में थोड़े से सब कुछ कह दिया उन्होंने और मार्गदर्शन भी दे दिया है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि आपकी दिखाई मार्ग से ही चलूँगा और ये 2019 मैं विश्वास दिलाता हूँ इसमें पूर्ण करके जैसे आपने मार्ग दिखाया है उसी हिसाब से मैं कार्य करूँगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।